बड़ी खबर का रुख करते हैं। जयपुर पुलिस को सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार की तलाश है और जिसका नंबर भी हम आपको बता रहे हैं, दरअसल इस कार का नंबर है RJ14TB8967। ये स्विफ्ट कार है जिसका नंबर हम आपको बता रहे हैं। कल शाम जवाहर सर्किल से सुनील नामक युवक का अपहरण किया गया है। हालांकि पुलिस ने अपहृत युवक को 2 घंटे में मुक्त करवा लिया, लेकिन अभी भी कार सवार बदमाश पुलिस गिरफ्त से दूर है। सुनील मीणा बताया जा रहा है कार का मालिक, और नंबर के आधार पर कार मालिक के घर तक पहुंची पुलिस, लेकिन वहां भी कोई कार मालिक नहीं मिला है। अब जयपुर के अलग अलग जिला पुलिस को कार के नंबर भेजे गए हैं। हम आपको कार के नंबर एक बार फिर से बता रहे हैं। कार के नंबर जो है वो दरअसल RJ14TB8967 और ये स्विफ्ट कार है। दरअसल एक युवक को अपहरण करने की कोशिश इस कार के जरिए की गई, जिसको अपहरण किया गया। हालांकि 2 घंटे में पुलिस ने उसको मुक्त करा लिया, लेकिन कार सवार बदमाश पुलिस गिरफ्त से दूर चले गए। कार के नंबर के आधार पर मालिक तक पहुंचने की कोशिश की गई, पुलिस घर तक पहुंची, लेकिन वहां पर भी मालिक नहीं मिला और अब मालिक की तलाश लगातार जारी है। जयपुर के आसपास की जिला पुलिस को भी कार के नंबर भेज दिए गए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस दौरान जो अपहरण किया गया उसके पीछे की मंशा क्या थी। बार बार हम कार का नंबर फ्लैश कर रहे हैं, इस नंबर को जरा देखिए, और अगर आपको रास्ते में कहीं भी इस नंबर की स्विफ्ट कार नजर आए तो तुरंत नजदीकी थाने को संपर्क किया जाए। कार का नंबर फिर हम आपको बता रहे हैं, RJ14TB8967 ये कार का नंबर है। अगर ये आपको कहीं पर दिखाई देती है तो तुरंत पुलिस को इत्तला की जाए। दरअसल ये वो कार है जिसके जरिए कल शाम जवाहर सर्किल से सुनील नामक युवक का अपहरण किया गया था। ये अच्छी खबर की जिसका अपहरण हुआ उसको तो 2 घंटे में पुलिस ने मुक्त करा लिया था। मेरे सहयोगी सत्यनारायण मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, जिसका अपहरण किया गया उसको तो मुक्त करा लिया, लेकिन अभी तक उन तक नहीं पहुंचा गया जिन्होंने अपहरण की साजिश को अंजाम दिया, लेकिन क्या पुलिस के हाथ कोई सुराग लगा है? सुराग लग चुका है। जो कार मालिक है उसके घर तक पुलिस पहुंच चुकी है, लेकिन फिलहाल वो फरार है। लेकिन एक बड़ी बात यह है विजेंद्र कि केवल एक ट्रैक्टर चालक से कार टच हो गई थी, इसीलिए उस ट्रैक्टर चालक का अपहरण कर लिया गया था। अपहरण करने के बाद में उसे गंगापुर सिटी ले जाया गया, लेकिन पुलिस ने वहां से उसको मुक्त कर दिया। लेकिन फिर भी जो 5 अज्ञात बताए जा रहे हैं कार के अंदर, वो फिलहाल फरार चल रहे हैं। हो सकता है कि उनका हथियार भी हो। ऐसे में जो जयपुर के आसपास के जिले हैं वहां पर कार नंबर भेजे गए हैं और नाकाबंदी करवाई गई है, जिससे कि जल्द जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की जा सके। अच्छा सत्यनारायण, इस दौरान घटना को कितना वक्त हो चुका है? क्योंकि अगर जिसको कार को लेकर फरार होना होगा, अगर वो 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं तो जयपुर क्रॉस कर चुका होगा। बिल्कुल विजेंद्र, शायद इसीलिए शाम की घटना है, शायद इसीलिए जयपुर के आसपास जितने भी जिले हैं वहां पर कार के नंबर भेज दिए गए हैं। पुलिस की अपील की गई है वहां पर कि अपने अपने इलाकों में नाकाबंदी करवाए। हालांकि कार के नंबर पुलिस आ चुकी है, कार मालिक के घर तक पुलिस पहुंच चुकी है, परिजन तक पुलिस पहुंच चुकी है, तो माना जा रहा है कि जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। क्योंकि गाड़ी का नंबर RJ14 है, तो ये तो मानकर ही चले कि गाड़ी जयपुर की है और जो भी इससे जुड़े तार है वो जयपुर से जुड़े हैं। बिल्कुल विजेंद्र, कार मालिक जयपुर का ही है, सुनील मीणा उसका नाम बताया जा रहा है, जगतपुर इलाके में रहने वाला है। उसके घर तक पुलिस पहुंच चुकी है, लेकिन वो अपने साथी के साथ फरार है। अब देखने वाली बात ये होगी जयपुर पुलिस को पता मिलती है, आसपास के जिलों को पुलिस को पता मिलती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन माना जा रहा है कि अब आरोपी जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होगा, किसी की अग्रिम कार्रवाई की जा सकेगी। अच्छा सत्यनारायण, ये कितने लोग थे जिन्होंने अपहरण की कोशिश की या कहीं की अपहरण तो कर ही लिया था? विजेंद्र, करीबन कार में सवार 5 युवक बताए जा रहे हैं। जो पीड़ित युवक है उसे पूछताछ की तो उसने बताया कि 5 युवक कार के अंदर थे, उनके पास एक पास हथियार भी था। तो शायद इसीलिए पुलिस ने जो जयपुर के आसपास के तमाम जिले हैं वहां पर नाकाबंदी करवाई की, और कोई दूसरी वारदात न कर दे, कोई लूट या दूसरी अपनी घटना को अंजाम न दे, इसलिए जयपुर के आसपास के तमाम जिलों के अंदर कड़ी नाकाबंदी करवाई गई है। और उसके घर तक परिजन तक पुलिस पहुंच चुकी है, जो कार मालिक है। माना जा रहा है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जी बिल्कुल सत्यनारायण, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। क्योंकि पुलिस घर तक पहुंच चुके हैं तो अपराधियों का ज्यादा लंबे वक्त तक पुलिस से दूर रह पाना लगभग नामुमकिन, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है।